गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 5। अब हम लोग व्याकरण में, इससे पहले हमने आपको विशेषण बताया था, अब विशेषण के बाद हमारा व्याकरण में पाठ 10 जो है क्रिया और काल। इसमें दो है, एक क्रिया भी है दूसरा काल भी है, दोनों के बारे में अलग अलग से जानकारी लेंगे क्योंकि सेम पाठ में है। आइए तो सबसे पहले क्रिया, क्रिया है क्या, तो सबसे पहले क्रिया की परिभाषा को जानते हैं। क्रिया जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले या करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया मतलब काम, कार्य। अब क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है सकर्मक क्रिया, जो काम करते हैं वो सकर्मक होता है, सकर्मक क्रिया, और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। ठीक है, आइए जानते हैं कि सकर्मक क्रिया क्या है और अकर्मक क्रिया क्या है। सकर्मक, सकर्मक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सकर्मक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सो मतलब साथ और कर्मक मतलब कर्म के द्वारा, यानी कर्म, यानी अर्थात कर्म के साथ क्रिया का होना। जिस क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, जिस कोई भी जो काम करते हैं उसके लिए कर्म यानी काम की आवश्यकता होती है, कर्म की आवश्यकता होती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है, गीता किताब पढ़ रही है। अब यहाँ पर गीता कौन है, कर्ता है, काम करने वाली वही है। किताब क्या है, कर्म हो रहा है, किताब के ऊपर कर्म हो रहा है। क्रिया क्या हो रहा है, तो किताब के ऊपर जो पढ़ने का काम हो रहा है वह क्रिया कहलाएगा। तो यानी गीता यहाँ कर्म कर रही है, तो किताब के ऊपर कर्म हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, तो कर्म किताब हो गया, माध्यम किताब हो गया, और क्रिया है पढ़ने का काम। जैसे हाथी सड़क पर चल रहा है तो हाथी यहाँ कर्ता हो गया, है ना। सड़क जो है सो कर्म, क्योंकि सड़क के ऊपर चल रहा है, तो सड़क कर्म हो गया, सड़क पर चल रहा है और चल रहा है क्रिया है, ये सकर्मक क्रिया है। इसके बाद में आता है क्रिया के साथ, क्रिया के साथ क्या, किसे आदि लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर आ रहा है तो उसे सकर्मक क्रिया समझना चाहिए। कैसे, तो जैसे गीता क्या कर रही, क्या पढ़ रही है, तो गीता किताब पढ़ रही है। गीता क्या कर रही है, गीता लिख रही है, लिखने का काम, यानी कौन, सॉरी क्या, किसे आदि लगाकर, यानी ये प्रश्न बन जाता है जब, तो उससे उसका यदि उत्तर आता है तो समझो कि वह सकर्मक क्रिया है, है ना। हाथी किस पर चल रहा है, तो हाथी सड़क पर चल रहा है ना। दूसरा है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, अकर्मक शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, सकर्मक भी दो शब्दों से मिलकर बना है, अकर्मक भी दो शब्दों से मिलकर बना है। अकर्मक ओ मतलब बिना, जिसके साथ ना हो, इन ओ बिना कर्मक, कर्म के, अर्थात कर्म के बिना, कर्म के बिना, जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब देखो, बालक हंसता है, हंसना क्रिया है ना, तो बालक यहां कर्ता हो गया, हंसता क्रिया हो गया, है ना। नेहा रोती है, नेहा यहां कर्ता है, रोना जो है सो क्रिया है ना, क्योंकि यहां पर में जो बताया जा रहा है जो कर्म, कर्म तो है ही नहीं, कर्म तो हो ही नहीं रहा है, खाली क्रिया हो रहा है, कर्ता है और क्रिया है, इसलिए वह अकर्मक। यानी समझिए, इन वाक्यों में क्या किसे लगने पर उत्तर नहीं मिलेगा। जैसे बालक किस पर हंसता है, उत्तर नहीं मिलेगा, तो समझ लो अकर्मक है। नेहा क्यों रोती है, उत्तर नहीं मिला, समझ लो अकर्मक का रख है, अकर्मक है ना। तो अकर्मक से सकर्मक कैसे बनाए, शब्द है। जैसे अकर्मक उठना है अकर्मक, तो सकर्मक क्या हो जाएगा, उठाना। उड़ना उड़ाना सकर्मक हो जाएगा। खुलना यहां अकर्मक है, खोलना सकर्मक हो जाएगा। फिर अकर्मक है सूखना,
तो सकर्मक क्या हो जाएगा, सुखाना, चलना, चलाना, उखड़ना, उखाड़ना। सकर्मक से अकर्मक में परिवर्तन कैसे करें, सकर्मक से अकर्मक में किस तरह परिवर्तन करें। जैसे राजेश पुस्तक पढ़ता है, राजेश पढ़ता है अकर्मक बन गया, यहां राजेश पुस्तक पढ़ता है सकर्मक बन गया क्योंकि यहां पर कर्म हो रहा है, लेकिन यहां पर राजेश पढ़ता है अकर्मक कहलाएगा। नितिन घर चला गया, नेहा कैरम खेल रही है, नेहा खेल रही है। यानी क्रिया के कुछ अन्य शब्द जिसको संयुक्त क्रिया कहते हैं, यानी दोनों संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ एक दूसरे से, और सहायक क्रिया भी अलग होते हैं। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं एक साथ प्रयोग की जाती है तब क्रिया के उस रूप को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे खा लेना, रो पड़ना, चले जाना, भाग जाना, ले आना, मार डालना इत्यादि, ये सब क्या हो गया, संयुक्त क्रिया। आप अंदर चले आइए, आप बाहर चले जाइए, अगर ये जो यहाँ पर क्या हो गया, संयुक्त क्रिया हो गया। राम ने रावण को मार डाला, है ना, तो ये सब जो है सो क्या हो गया, संयुक्त क्रिया हो गया। और दूसरा है सहायक क्रिया, मूल क्रिया के साथ, मूल क्रिया जो है मूल क्रिया के साथ प्रयोग होने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे नीता गिर गई, इसमें गिरना जो है सो मूल क्रिया है, लेकिन यहाँ पर में मूल क्रिया के साथ गई जो है सहायक क्रिया है। इस तरह से हम क्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा है हमारा काल, काल यानी समय, काल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं, यानी कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के तीन भेद होते हैं, कौन कौन, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो सबसे पहला आता है भूतकाल, जो उसको पास्ट टेंस कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो, जो समय बीत चुका है। जैसे हम कह सकते हैं बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, है नहीं, उड़ा रहे थे, चिंटू सो रहा था, मैं कक्षा पिछले साल मैं कक्षा चार में था, तो पास्ट टेंस वो बीत चुका है, अभी पांच कक्षा पांच में आप हैं तो प्रेजेंट टेंस है। इन वाक्य में रहे थे, रहा था शब्दों से क्रिया के बीते हुए समय का ज्ञान होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। दूसरा है वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में किसी के काम के होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे लड़कियां झूला झूल रही है, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं कक्षा पांच में पढ़ रहा हूँ, झूल रही है, खेल रहे हैं, पढ़ रहा हूँ, ये सब जो है तो क्या है, वर्तमान काल के सूचक, ये शब्द जो है वर्तमान काल के उदाहरण में आते हैं। दूसरा, तीसरा है भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस उसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय, जो समय आएगा, आने वाले समय में कार्य होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं यानी फ्यूचर टेंस। क्योंकि आप अब कक्षा पाँच में पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस है, आप कक्षा छह में जाएंगे यानी वो फ्यूचर टेंस है, जाएंगे, तो माताजी मंदिर जाएंगी, जाने वाली हैं, जाएंगी, प्लान बनाई है, हैं, मैं तुम्हें हिंदी सिखलाऊंगी या सिखलाऊंगा, ये सब फ्यूचर टेंस है। इन वाक्यों में जाएंगी, सिखाऊंगी या सिखाऊंगा शब्दों से क्रिया के आने वाले समय में बोध होता है उसे, अतः ये दोनों वाक्य भविष्य काल के उदाहरण है। विशेष में, एकदम विशेष को जानना बहुत जरूरी है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, संस्कृत में भी पढ़ते हैं हम लोग धातु, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, धातु रूप में प्रत्यय लगाकर क्रिया शब्द बनाए जाते हैं, है ना। तो इस काल की पहचान क्रिया से होती है, और जो क्रियाएं स्वयं होती हैं या आप करते हैं वे वर्तमान काल के अंतर्गत आती हैं। जैसे सूर्य पूरब में उदय होता है, बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, ये सब जो है क्या है, काल के से के सूचक हैं। और इसमें प्रश्न उत्तर दिया हुआ है, हम पढ़ाएंगे और प्रश्न उत्तर आप उसे बनाएंगे। धन्यवाद।
इसके को समझ के आप करने का काम करेंगे और कारक के बारे में भी जानेंगे। थैंक यू।